कांग्रेस अध्यक्ष बदलने के बाद फरीदाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि इस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई में नंबर एक बना दिया। तो साथ ही उन्होंने फरीदाबाद की जनता से अगले विधानसभा चुनावों में जिले के सभी 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की। इतनी बड़ी हाजिरी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पे आए, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको सलूट भी करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। कई दिनों से अच्छे से नींद आई नहीं, बिजली के कट रात में इतनी बार लगते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कट में बिजली है, बिजली में कट है। आप लोग कई दिन से सोए नहीं थे, कल हुड्डा साहब यहाँ पे आ गए फरीदाबाद में, तो कल रात को लाइट आई होगी, आई थी कि नहीं आई थी कल रात को लाइट? आपसे डर के आई थी कल रात को, मुझे पता है आप परेशान हैं, नींद आई नहीं, फिर भी इतनी गर्मी में आए हैं, मुझे पता है। मैं सलूट इसलिए भी करना चाहता हूं आपको, मुझे पता है फरीदाबाद की सड़कों में कितने गड्ढे हैं, सड़कें उधेड़ के रखी हुई हैं, बस निकलना है तो दूर की बात है, बाइक निकलने में भी दिक्कत आती है। आप इतनी संख्या में यहां पे आए तो कैसे आए, ये भी आज बहुत बड़ा सवाल है, मगर यहां पे आए। फरीदाबाद में केवल बिजली की और